आइए आपको ले चलते हैं बरगढ़ थाना अंतर्गत कलचिहापुर माध्यमिक विद्यालय की ओर, जहां पर बहुत सारी कमियां देखने को मिली है, जिसके जिम्मेदारी पूर्णतः अध्यापक व प्रधानाचार्य विष्णु प्रताप सिंह ने प्रधान के ऊपर लगाई है। इसके माध्यम से विष्णु प्रताप सिंह प्रधानाचार्य ने ये कहा कि वहाँ की प्रधान का कहना है कि जितना पैसा गवर्नमेंट के तरफ से आता है मैं उतना ही कार्य कर पाऊंगी, सरकार मुझे ज़्यादा पैसा नहीं देती है। जिसमें प्रधानाचार्य का कहना है कि उन्होंने अपने जेब से पैसे लगाकर बाकी के कार्य स्वयं करवाए हैं। अब आगे ये देखना है कि प्रधान का कहने का क्या मतलब है, क्या इस विषय में किसी प्रकार की जाँच होती है या नहीं। प्रयाग न्यूज़ से रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु प्रताप सिंह है। सर यहाँ पर आपका क्या पद है? मैं यहाँ पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। सर ये बताएं आप कि जो है यहाँ पर प्रधान द्वारा क्या कार्य कराया गया है? प्रधान द्वारा यहाँ काफ़ी कार्य कराया गया है, जो भी आप देख रहे हैं टाइल्स, सारे कमरों में टाइल्स लगी हुई है, नल में हैंड समरसेबल भी लगा हुआ है, ये प्रधान द्वारा ही कराया गया है। लाइट वगैरह हमने खुद कराया, कंपोजिट ब्रांड से लाइट का काम। आपने क्या क्या कराया है? हमने लाइट पूरी फिटिंग कराई है, नल पूरा फिटिंग करवाए हैं और मल्टीपल हैंड वॉशिंग बनवाए हैं। अच्छा, और मतलब प्रधान द्वारा इतनी कार्य कराया गया है? हाँ, प्रधान द्वारा टाइलीकरण पूरा कराया गया सारे कमरों में। लैट्रिन वगैरह में सब जगह टाइल्स है? लैट्रिन में बेस में नहीं है, लेकिन उसे कम रूम में टाइल्स है। मऊ क्षेत्र के कलतिया में खड़ा हूँ और अभी प्रधानाध्यापक, क्या नाम है सर आपका? विष्णु प्रताप सिंह। इन्होंने अभी बताया कि कंपोजिट ग्रांड से इन्होंने काम कराया, प्रधान द्वारा भी काम कराया गया, लेकिन लाइट का काम इन्होंने कंपोजिट ग्रांड से करवाए हैं। अब आप ये बताइए कि जब कंपोजिट ग्रांड से ही अगर प्रधानाचार्य काम कराएंगे तो प्रधान का क्या काम है? क्या प्रधान जो है गांव में भी शिकायतें मिलती हैं और जो है स्कूल में भी शिकायत मिलती है, आखिर प्रधान के खिलाफ जांच कब बैठेगी? सर आप प्रधान के बारे में कुछ बताएंगे? प्रधान के बारे में श्रीमती मीना देवी यहाँ की प्रधान हैं जी सर, तो जब उनसे कहते हैं तो कहते हैं हमारे पास इतना पैसा नहीं आता, जितना पैसा आता है उसी हिसाब से विद्यालय हम काम करा रहे हैं, उसी हिसाब से उन्होंने काम कराया। बोले बहुत छोटी सी ग्राम सभा हमारी, उसमें बहुत ज़्यादा मद नहीं आता है। देख लिया, प्रधान की ये जो है भाषा है कि मेरे पास जो पैसा आता है सरकार मैं उतना ही काम कराऊँगी, ज़्यादा मेरे पास पैसा नहीं आता है। अब इसमें जाँच होनी चाहिए कि कितना पैसा आता है और इनमें कितना कार्य कराया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से रोहिणी कुमार की रिपोर्ट।